आईटी लेक्चर एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पार्ट टू यानी जो निन्नी के द्वारा जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन करेंगे या हर क्वेश्चन पे जो बनेगा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले मॉडल वन हमने बात उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसमें 19 क्वेश्चन थे। आज भी हम इस मॉडल में 33 क्वेश्चन हैं तो 19 क्वेश्चन, ठीक है, 33 क्वेश्चन है लेकिन 19 क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम डिटेल में उसे सॉल्व करें, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन रहेगा और पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आज हम फिर से इसको रिवीजन करेंगे, इसके जितने भी आपके निम्नी के फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे हर एक सेमेस्टर का, ठीक है। तो आज अभी हम सेमेस्टर वन कर रहे हैं, फिर सेमेस्टर टू करेंगे, थ्री करेंगे, फोर करेंगे, ठीक है। सेमेस्टर वन का ये मॉड्यूल सेकंड है, इसमें हम कह रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया है इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए जो आज का चैप्टर है ये सारा आपके देखिए मिक्स कारपेंटर, फिटर, वेल्डर और सीटमेटर, ये चारों ट्रेड में जो आपका कॉमन एक चैप्टर बना होता है उस चैप्टर का इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए ये एक प्रकार का क्या है गेज है, ये इनर गेज है, ठीक है। ये आंतरिक मान लीजिए फाइल है, इसके अंदर की अगर त्रिज्या मापनी है इस वाले गेज से हम लोग इसके अंदर डालते हैं, इसकी मापते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वालियर कैलिपर भी आता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जाग की आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इस यंत्र से प्रयोग करते हैं जॉब की आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रेती का क्या नाम है, देखिए इस रेती का क्या नाम है, तो यह रेती जो आपका एक फाइल है, ठीक है, फाइल चाहिए। इस फाइल का नाम है राष्ट्र, पहले मैं बता देता हूँ राष्ट्र, ठीक है। इस फाइल में क्या होते हैं अलग अलग, देखिए फाइलों के पार्ट के बारे में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इस फाइल के क्या क्या पार्ट आते हैं। ये फाइल का नाम है राष्ट्र, राष्ट्र फाइल का प्रयोग वहाँ होता है जैसे आप लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, बहुत ख़राब है तो उसको घिसना होता है तो बहुत तेज़ी से इसके जो दाने होते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को प्लेन करने के लिए हम लोग राष्ट्र फाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे हम लोग टैग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग टैग बोलते हैं, इसका हैंडल कहलाता है और ये देखिए वाला भाग को हम लोग कहते हैं शोल्डर, शोल्डर, ठीक है। इसे बोलते, देखिए आपको पता होगा फिर जो रेती का हत्था होता है उसके हत्था में आगे लोहे का रिंग बना होता है, इसे हम लोग फेरुल बोलते हैं, फेरुल, ठीक है। तो जाके एग्जाम में कभी कभी एक्स करके ऐसे करके कहेगा कि एक्स को क्या करते हैं, ठीक है, एक्स को क्या कर, इस तरह आपका आ जाता है, ठीक है। इसे आप लोग नेक कहेंगे, ठीक है, गर्दन कहेंगे, इसे शोल्डर कहेंगे, ये आपका टिप कहलाएगा, ये आपका फेस कहलाएगा, इसे हम लोग कहते हैं फेस, इसे हम लोग कहते हैं फेस, इसे फेरुल कहते हैं, इसे हैंडल कहते हैं, ठीक है, इसे शोल्डर कहते हैं, इसे गर्दन यानी नेक कहते हैं, ठीक है। रेती में जितने भी भाग होते सबको हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इस औजार का क्या नाम है, यह एक प्रकार का कैलिपर शो कर रहा है, ठीक है, कैलिपर, कैलिपर, ठीक है, एक प्रकार का क्या शो कर रहा है, कैलिपर, कैलिपर शो कर रहा है। इसके ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपके इस साइड में दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, ओडेड लेग कैलिपर, विषम लेग कैलिपर, बाह कैलिपर। देखिए कैलिपर के जो भाग होते हैं कई प्रकार कैलिपर होते हैं, ठीक है। तो मैं डिवाइडर जो होता है वो नॉर्मल इस तरह होता है, ठीक है, ये डिवाइडर होता है। उसके बाद इस कैलिपर में क्या था, यह कैलिपर किस तरह बना हुआ था, मैं कैलिपर जितने भी प्रकार होते हैं लगभग जिनको कुछ भाग में बता देता हूँ, ये आपका कैलिपर है, ये कैलिपर जो था, सॉरी ये कैलिपर जो बना हुआ था इस तरह था, इस तरह इसका लेग इधर निकला हुआ था और इसका लेग बाहर की तरह भी निकला हुआ था, ठीक है, बाहर की तरह। ये जो जो कैलिपर है ये इसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं, ये कैलिपर आपका बना होता है, एक कैलिपर इस तरह बना होता है, ठीक है, इस साइड इस तरह बना होता है, एक बराबर होता है, ठीक है,
इसे बोलते हैं आउट कैलिपर। इन साइड कैलिपर होता है, इसका काम होता है कि इसी वृत्ताकार आकार के अंदर का आंतरिक व्यास लेने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन साइड कैलिपर। और किसी पाइप के बाहरी साइड का व्यास लेने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आउट साइड कैलिपर। एक होता है जेवलिन कैलिपर। जेवलिन कैलिपर में क्या होता है, एक भाग को टेढ़ा रहेगा लेकिन एक भाग एकदम क्या होगा, सीधा होगा, इसे बोलते हैं जेवलिन कैलिपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया कौन सा कैलिपर था। व्हाट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग डिफरेंस, इधर थोड़ा सा करिए। हाँ ठीक, व्हाट इज द केसेस ट्विस्टिंग डिफरेंस इन द टिम्बर, यानी लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्यों होता है। देखिए, पहला है दुनिया दोष भंडारण, ये भी हो सकता है, लेकिन असमान सिकुड़न, गलत सीजनिंग या शाखाओं की और वृद्धि में अनियमितता, शाखाओं वृद्धि अनियमितता का इसका कोई कारण नहीं होगा। अब यहाँ पे गलत सीजनिंग ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी और सी कर जाएगा। अब वो बचा क्या है, दोषपूर्ण भंडारण। दोषपूर्ण भंडारण भी एक कारण होता है, लेकिन मुख्य कारण क्या होता है, असमान सिकुड़न। यानी जब आपकी लकड़ी असमान जब सिकुड़ेगी, मतलब कहीं ज़्यादा सिकुड़ेगी कहीं कम सिकुड़ेगी, तो आपकी लकड़ियाँ क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक बैंड हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, वो बैंड हो जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा बैंड वाली लकड़ी आपकी कौन सी होती है, लिप्टस की, यूकेलिप्टस की जो लकड़ी होती है सबसे ज़्यादा बैंड होती है, क्योंकि उसमें असमान सिकुड़न बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटी छेनी, मतलब मोटी छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है, जर्नल चिजलिंग वर्क इन दौर, लकड़ी में सामान छेद के लिए, लकड़ी में आयताकार छेद के लिए, लकड़ी को फिनिशिंग के लिए, या लकड़ी में हल्का छेनी पर क्रिया करने के लिए, यानी जो मोटी छेनी होती है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। देखिए, हम लोग ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिशियन पढ़ते हैं, कोल्ड छेद जब तक पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये आपकी जो कारपेंटर ड्रेस से आया है, और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये मार्किंग रेक्टेंगल होल इन दौर, लकड़ी में आयताकार छेद, यानी आयताकार छेद करने के लिए हम मोटी छेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोटी छेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका होती है आयताकार, ठीक है, करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आयताकार लकड़ी में। ठीक है, ये कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन के लिए कोल्ड चीज अब तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, एक मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तेज मोड़ मतलब 90 डिग्री का एंगल प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्गाकार स्टेक, हैच स्टेक, ब्लोहार और बेलवेज स्टेक। देखिए, कई प्रकार के स्टेज आते हैं, ये जब आप सीट मेटल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कितने प्रकार के आपके स्टेज होते हैं। ठीक है, बेलवेज स्टेज जो होता है इसका आकार विद्युत फाल्ट होता है उसकी इकाई होता है, इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह करके ये जटिल होता है, आगे पर शंकुकार होता है। ठीक है, आगे का जो भाग होता है चौकोर में होता है। ठीक है, इस तरह स्टेज होता है, इसके जो आपका होता है वर्गाकार स्टेज, यानी 90 डिग्री का जहाँ एंगल लेना होता है हम लोग वर्गाकार स्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ लेना होता है, क्या लिया, तेज मोड़ के लिए हम लोग वर्गाकार स्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्लोहार स्टेज के बारे में कहा, ब्लोहार हम बता रहे हैं किस तरह होता है। ब्लोहार आगे, जैसे आपको अगर पुराने जमाने में आपने हल देखा होगा, हल के आकार का होता है, हल लेकिन ऐसे होता है, लेकिन ये सीधा होता है, आगे का जो पार्ट होता है नुकीला होता है, आगे का जो पार्ट होता है ऐसे करके होता है, फिर जाके आगे ये एकदम पतला होता है, एकदम इधर पतला हो जाएगा, यहाँ से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है आपका, हैटेज स्टेक होता है, नहीं सॉरी ब्लोहार स्टेक होता है, ब्लोहार स्टेक आपका इस तरह आपका बना होता है, और वर्गाकार स्टेक जो होता है आपका एकदम छीनी के आकार का, छीनी की तरह रहेगा, लेकिन आगे का भाग क्या होता है, मोटा होता है, ये वर्गाकार कुल चीज की तरह दिखेगा। ठीक है, ठीक है,
किस प्रकार की ठंडी चीजें क्योंकि किनारों पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जाली चीजल, क्रास चीजल, अर्धवृत्ताकार चीजल या हीरा पॉइंट चीजल, किस प्रकार की चीजल का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, इन्होंने यही पूछा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वर्गाकार करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, डायमंड पॉइंट, यानी इसका जो आगे का जो पार्ट होता है वर्गाकार, यानी क्या होता है, गोल होता है। और डायमंड का आगे का सिरा कैसा होता है, वो भी गोल होता है। आपने देखा होगा डायमंड इस तरह से होता है। उसके बाद बहुत से अपने चोर सिपाही की पिक्चरों में बहुत देखा होगा, डायमंड की चोरी बहुत होती है। डायमंड का आगे का सिरा कैसा होता है, सर्पाकार होता है। तो वर्गाकार, वर्ग बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका हीरा पॉइंट यानी डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके लिए, वर्गाकार के लिए, ठीक है। हाफ राउंड का चीज हम लोग अर्धवृत्ताकार के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों में समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। समांतर यानी पैरेलल रेखा, पैरेलल रेखा का प्रयोग करने के, देखिए आंतरिक कैलिपर होता है अंदर का व्यास मापने के लिए, यहाँ पे होता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन समांतर रेखा जेनी कैलिपर का बनावट इस तरह अपनी होती है, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, ये एकदम सीधा होता है, ठीक है। एक भाग ऐसे सीधा होता है और एक भाग थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये होता है आपकी जेनी कैलिपर, ठीक है। बाहर कैलिपर जो होता है हमने आपको बताया था कैसे करके बाहर की तरफ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए ड्रिल बिट बनाया है, इसके जो ऑप्शन है हमको देखिए, एक ड्रिल को देख लीजिए, देखिए लोहे में ड्रिल करने के लिए ड्रिल का प्रयोग होता है, इसका कट देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सी ड्रिल है ये, इसके बारे में उन्होंने पूछा, किस प्रकार का ये ड्रिल बिट है, स्ट्रेक सैक है, काउंटर सिंक है, टेपर सिंक है या फ्लैट ड्रिल है। तो ये आपका ड्रिल क्या कह रहा है कि टेपर सैंक, टेपर सैंक बिट यहाँ पे आपकी कलाई, ये आपकी टेपर सैंक बिट है जो आपकी ड्रिल करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पूछा है सिंक मेटल में सामान्य उपयोग होती किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे ज्यादा सिंक मेटल में जो काम होते हैं आपकी सीट मीटर यानी वर्गाकार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, वर्गाकार सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है 90 डिग्री का एंगल लेने के लिए, सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं। ब्लू हार्ड के बारे में भी बता दिया हमने, बेवल एज के भी बता दिया, और बच गया आपका हैटेज। हैटेज के बारे में बताते हैं, हैटेज किस तरह बना होता है। हैटेज करने का मतलब जब आप ड्राइंग बनाते हैं उस समय आपने देखा होगा इस तरह एक होता है, ठीक है। और ये जो बना होता है हैटेज तो इसी आकार का लगभग बना होता है, ठीक है। इसी आकार का आपका हैटेज बना होता है, ठीक है। ये आपका हैटेज स्टेक आएगा, वर्गाकार स्टेक यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ब्लू, ब्लू हार्ड का आपको बताया कि हार्ड की इच्छा होता है, मोटा शंकु होता है, अब वेलवेट के लिए हमने बता दिया है। आगे चलते हैं, ISO मैट्रिक हाई थ्रेड M12 × 1.25 में A1.25 नंबर किस पिच का है। तो ये जो जो मैट्रिक प्रणाली में जो होता है पिच ऑफ द थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड से हम लोग कहते हैं, ग्रिड का व्यास नहीं होता, पिच ऑफ द थ्रेड होता है 125 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है लकड़ी में व्हाट डिफेक्ट विद द ओपोन इन द टिम्बर ड्यू टू रेगुलेटरी इन द ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज, यानी किसी लकड़ी की जो शाखाएं हैं, यानी शाखाएं मतलब जो दडाण निकली होती हैं, जो अनियमित रूप से निकली हैं, अनियमित रूप से जब निकली होती हैं तो कौन सा दोष कहलाता है, ठीक है। क्या उसमें हो जाता है, सबसे ज़्यादा गांठ हो जाएगी, नॉट हो जाएगी। आपको पता होगा जब जितना ही ज़्यादा जहाँ से गांठ निकलती है किसी पेड़ के तने में से उतने ही ज़्यादा गांठे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसे नॉट बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर इन्होंने पूछा है
टेनर आरी के कुंड दांतों को तेज करने के लिए किस आरी का प्रयोग करते हैं? वर्गाकार आरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, वृत्ताकार आरी गलत हो जाएगी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं गोल राउंड करने के लिए। त्रिभुजाकार ये सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, हम लोग इसके किसके प्रयोग में करते हैं, पतली शिवारी आती है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं रेती निकालने के लिए, ठीक है। और वृत्ताकार आरी हम लोग किसी भी साइज को गोल करने के लिए, किसी भी वृत्त को गोल करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार आरी क्वेश्चन नंबर आपका सी सही होगा, आपका सी सही होगा। अच्छा नेम ऑफ एक्स, देखिए हमने पहले इसको पहले ही हमें आपको बताए थे इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो 14 नंबर का आपसे आपका आंसर हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया इसे फ्यूलर कहते हैं, इसे हैंडल कहते हैं, इसे नेक कहते हैं, और इसे जो हम लोग कहते हैं हिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग हिल कहते हैं, इसे टैंक कहते हैं, ठीक है, इसे शोल्डर कहते हैं, सभी का हमने कहा था कि इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, हमने कहा था कि इस तरह एक्स बना के क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम टूल आपका, इस टूल का क्या नाम है, उन्होंने पूछा यह टूल का क्या नाम है, इसके बारे में बहुत पहले ही बता रखा है, एक पैर क्या होता है टेढ़ा होता है, एक पैर इसका नुकीलेदार होती है, तो आपका जेनी कैलिपर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जेनी कैलिपर, ठीक है। कैलिपर से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बना है, कैलिपर बहुत अच्छा आपका यहाँ का होता है। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है, जो यहाँ पे एक्स बना है इसका क्या क्या काम है, क्या नाम है, आगे बढ़ते हैं। रेक पॉइंट, पॉइंट एंगल या क्लीयरेंस कोण या झुका कोण, इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो छेनी बनी होती है क्या बोलते हैं कोल्ड चीजर जो आप प्रयोग करते हैं सबसे इलेक्ट्रिशियन में, उस पर देखिए आपकी जो छेनी बनी होती है ये समझिए बीट, इसका एंगल लगभग 60 डिग्री होता है, इसका एंगल लगभग बीट का 60 डिग्री पे घुमा होता है। छेनी का जो हम अधिकतम प्रयोग करते हैं 45 डिग्री एंगल पर जब उसका प्रयोग करते हैं बहुत अच्छे से उपाय करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल छेनी, थर्मल छेनी का क्या उपयोग है, छीनने और जोड़ने के लिए, समान छेनी कार के लिए, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, लकड़ी में हल्का छेनी कार तक तेज किनारों को साफ करने के लिए, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सामान्य छेनी, थर्मल छीनों का हम प्रयोग क्या करते हैं सामान्य कार्य के लिए करते हैं, नॉर्मली छीनने के लिए, नॉर्मली काटने के लिए, मतलब हम लोग थर्मल छीनों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग आपका कौन सा करता है बढ़ई करता है, और हम लोग गोल बनाने के काम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार का अर्धलय जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाल एक भाग चीरा के अंत से कुछ दूरी पे मिलता है, कुछ दूरी पे मिलता है, ठीक है, कुछ दूरी पे लिख रहा है, एंड लैप जोड़ गलत हो जाएगा, मध्य लैप नहीं होगा, कोना अर्धलैप नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा क्रॉस लैप ज्वाइंट होगा, नहीं मध्य लैप जोड़ होगा, क्रॉस लैप नहीं होगा, यहाँ पे मध्य होगा, क्योंकि सीरा अंत से कुछ दूरी पे मिलता है, यानी अंत से कुछ दूरी पे मिलता है, यहाँ पे होता है यहाँ पे मिडिल लैप ज्वाइंट यहाँ पे आपका बन के आता है, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर, अंदर निकले हुए किनारे की धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का धातु का ट्रे बनाने के लिए, यानी 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर हम लोग वी नॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका आकार किस तरह बना होता है वी नॉच, इसी तरह आपका वी नॉच बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, स्क्वायर नॉच नहीं होगा, सीधा नॉच नहीं होगा, आपके वी नॉच होगा, ठीक है, दोनों 90 किया जाता है, यानी ट्रे बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी नाच का। आज के साथ क्वेश्चन 19 साल के खत्म हो चुके हैं, अब आगे की जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे और उसको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।